मुझे लगा एक दिन बैठे बैठे मैं नर्तकी बनूंगी। कमरे के अंदर गई, देखा सामने 5 महारथी बैठे हैं। सब हंसने लगे और फिर उन्होंने पूछा कि तुम बिहार से हो। मेरा रिज्यूम गवर्नर के पास भेजा गया। जब हमारे राज्य में महामहिम राष्ट्रपति का आगमन हुआ, एक नहीं कई बार कई माननीय राष्ट्रपतियों के आगमन के अवसर पर भी, महज 23 साल की उम्र में मैं सुदीपा घोष, भरतनाट्यम नृत्यांगना, बिहार में पली बड़ी जन्मी। घोष सरनेम सुनकर आप मुझे बंगाली समझ रहे होंगे। हाँ, मेरी मातृभाषा बंगला है, लेकिन मैं मिथिला में जन्मी हूँ, पटना में पली बड़ी हूँ, मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ, इसलिए मैं आत्मा से पूरी की पूरी बिहारी हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन इस राज्य को समर्पित किया है। नृत्य मेरा क्षेत्र है। मैं चाहती हूँ अपने कला से अपने राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलवाऊं। एक माँ के रूप में बहुत ही गर्वित माँ हूँ, क्योंकि 2 संतान मुझे प्राप्त हुए हैं। मेरे पति, जिसकी वजह से मेरा आज का वजूद है, वो भी मेरे जीवन के अभिन्न अंग हैं। बचपन में सुदीपा बिल्कुल सुदीपा थी, एक छोटी सी लड़की। एक दिन टीवी के सामने बैठकर रात को दूरदर्शन पे अखिल भारतीय नृत्य का कार्यक्रम देख रही थी। पिताजी से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, यामिनी कृष्णमूर्ति, देश की बहुत बड़ी नृत्यांगना है। और कई कार्यक्रम देखे मैंने, सोनाल मानसिंह जी का, सरोजा वैद्यनाथन जी का, स्वप्न सुंदरी जी का, बिरजू महाराज जी का, गोपी किशन जी का, तमाम बड़े नर्तक नर्तकियों को देखा मैंने दूरदर्शन के मंच पर। और वहीं से शुरू हुआ कला के प्रति रुझान। कुछ विद्यालय में जाकर दोस्तों से बात किया, आस पड़ोस में साइकिल चलाकर उस डांस स्कूल के सामने खड़ी रहती खेलने के बहाने, और सुनती रहती थी घुंघरुओं की झनकार। जब क्लासरूम के बाहर से खड़े होकर सुनती थी कि सारी लड़कियां नाच रही हैं, घोड़ू की आवाज़ आ रही है बाहर तक, मन वहीं पे खड़े खड़े नाचता रहता था। एक दिन पिताजी ने कहा, चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें सिखाने का, पता नहीं कितने दिन तक तुम सीखोगी। क्रमशः जिंदगी बढ़ती रही, मैं जाती रही नृत्य शिक्षण के लिए, पढ़ाई करती रही। मैंने सिर्फ साधना को अपना लक्ष्य बनाया कि मुझे साधते जाना है, मेरा लक्ष्य बहुत दूर तक है। मुझे लगा एक दिन बैठे बैठे मैं नर्तकी बनूंगी, डांसर, हाँ ये सही होगा, मैं डांसर बनना चाहती हूँ, मुझे इसी फील्ड में कलाकार बनना है और बड़ा काम करना है। पिताजी को मैंने कहा कि मुझे आगे कला शिक्षण में प्रशिक्षण लेना है। पिताजी बहुत हैरान हुए, कलाकार बनना चाहती हूँ? वो तो शौक के लिए किया था। और मैंने देश के सबसे बड़े जो इंस्टीट्यूट्स थे उनका पता लगाना शुरू किया। उस समय तो इंटरनेट का ज़माना नहीं था। मैंने बहुत सोचा क्या करूं, और अपने दिमाग से एक आइडिया निकाला। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक को एक चिट्ठी लिखी अपने कलम से। मेरे पास बहुत जल्द एक लेटर पहुंचा मेरे नाम से, और उन्होंने लिखा था, डियर सुदीपा, ये मैं आपको सूची भेज रहा हूँ देश की जो सबसे अच्छे 5 कॉलेजेस हैं। सबसे पहला जो नंबर था वो था कला क्षेत्र फाउंडेशन, रुक्मिणी देवी कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, चेन्नई। मेरे दिमाग में केवल वो पहला नंबर ही दिखता रहा, बिल्कुल वैसा जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी। मैंने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा देखा ही नहीं, और मैंने कहा बस तय हो गया। मम्मी पापा के साथ टिकट बुक कराकर ट्रेन से जाने लगी। जब इंटरव्यू का समय था, कमरे के अंदर गई, देखा सामने 5 महारथी बैठे हैं। सब हंसने लगे और फिर उन्होंने पूछा कि तुम बिहार से हो, तुम्हें पता है कि आज तक बिहार से इस संस्थान में कोई नहीं आया है, तुम शौक से सीखने आए हो, इंटरव्यू पैनल ने पूछा। मैंने कहा, नहीं, मैं शौक से नहीं सीखने आई हूँ, मेरी तो आत्मा ही इस नृत्य में बसती है। दक्षिण भारत में गई तो दक्षिण भारत के बहुत से गुणों को, वहाँ की संस्कृतियों को भी मैंने अपने आप में समेटा। मेरे परिवार में दूर दूर तक मेरे पूरे वंश में कोई कलाकार नहीं है,
कई लोग मेरे पिताजी को ये भी कहते थे, मेरी माँ को ये भी कहते थे कि लोग अपनी बेटी को इंजीनियरिंग डॉक्टरी पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं और अपने डांसर बनाने के लिए इतना दूर भेज दिया, शिक्षण प्रशिक्षण का काम तो पूरा हो गया। और मैं वापस आई, वापस आकर देखा कि बिहार उसी जगह स्टैंड कर रहा है जहाँ मैं छोड़ के गई थी। और खास करके मेरी विधा भरतनाट्यम, जो कि देश की प्राचीनतम नृत्य विधा है, जब भगवान बुद्ध के काल में भरतनाट्यम नृत्य के जो शिलालेख हम देखते हैं या फिर जो मूर्ति कला देखते हैं, उसमें जो नृत्यांगनाएं, नृत्य की मुद्राएं होती हैं, वो भरतनाट्यम से जुड़ी होती हैं। मैं एक बिहारी होने के नाते ये मुझे बहुत विडंबना लगती है कि ये सारी संपदाएं, ये सारे अभिलेख, ये ग्रंथ हमारे थे जिसको हमने सहेज के नहीं रखा। और उसी दिन मैंने यह डिसाइड किया कि मैं यहाँ रहकर कुछ करना चाहती हूँ, मैं इस प्रदेश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, एक बार फिर से जीवंत करना चाहती हूँ अपने प्रदेश में इस कला को। और इसी वजह से मैंने अपनी पाई हुई नौकरी, जो दूसरे राज्य के लिए मैंने अर्जित की थी, वो दूसरे राज्य की नौकरी मैंने ठुकराई और मैं यहाँ चली आई। और संजोग ऐसा कि मैंने आवेदन दिया, मेरा सिलेक्शन यहाँ हुआ। महज 23 साल की उम्र में मैं यहाँ एज ए व्याख्याता भरतनाट्यम विभाग में मैंने कार्य योगदान दिया। अचानक एक दिन भारतीय नृत्य कला मंदिर में मुझे नामित किया गया यहाँ के कोषाध्यक्ष पद के लिए। मेरा रिज्यूम गवर्नर के पास भेजा गया और भारतीय नृत्य कला मंदिर के प्रशासनिक कार्यों में अधिकारी के रूप में काम करने लगी। बिहार सरकार के तमाम मंचों पे मैंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। जब हमारे राज्य में महामहिम राष्ट्रपति का आगमन हुआ, एक नहीं कई बार कई माननीय राष्ट्रपतियों के आगमन के अवसर पर भी मुझे अवसर प्रदान किया गया नृत्य प्रस्तुति हेतु। इसके साथ ही अपने राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं देश के बहुत बड़े बड़े मंचों पर भी शिरकत की हूँ।